प्योरशिप और आप देख रहे हैं एचपी कैसे है वाल लोग। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि हम चलेंगे एक वाटरफॉल, तो वाटरफॉल इस टाइम नहीं जा सकते क्योंकि 3 बज रहे हैं दोपहर के, तो वाटरफॉल और 2-3 जगह हो रहे तो वो सारी करेंगे कल कवर। तो अब चल रहे हैं हिडम्बा टेम्पल, तो मनाली में हिडम्बा टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस है, तो चलते हैं हिडम्बा टेम्पल, चलते हैं। इसी गली से जाना है ना भैया जो पहली है? चलिए तो गाइस चलते हैं अपने होटल वाले भैया से, मैंने पूछ लिया है रास्ता। सामने है माल रोड और यहाँ से लेना होगा हमें लेफ्ट को, तो यहाँ से भैया ने बताया था एक चौक आएगा। देखिए ये रही माल रोड, जहाँ भी हम घूम रहे थे तो यहाँ पे बाइक वाइक चलाना अलाउ नहीं है, इसलिए पूरी बंद कर रखी है, जंजीर लगा रखी है, उस साइड पैड़ी बना रखी है जिसे बाइक ना चढ़ा सके कोई। भैया हिडम्बा, थैंक यू भैया हिडम्बा के लिए। तो यहाँ से सीधा जाना होगा हमको, ट्रैफिक लग रहा है, आई थिंक वहीं से आ रहे होंगे सब घूम के, क्योंकि ये दिल्ली की कार थी और सामने गुजरात की जा रही है। तो अभी जब मैं इस होटल में आया था तो मेरा मतलब फ़ोन वोन मैं ऊपर आके पहले फ़ोन वोन सब चार्जिंग पे लगा के, बैग नीचे था तो मैं बैग लेने गया, तो एक भैया पूछने लगे कि भैया तुम कहाँ से आए हो, यूपी देख लिया तो उन्होंने नंबर ही, UP 15 कहाँ का है, मेरठ का, तुम मेरठ से आए हो इस बाइक पे? मैंने कहा हाँ भाई, अपनी लाल परी है ही ऐसी, कमाल करती रहती है, मनाली तो छोटी बात है लाल परी के लिए। साइन बोर्ड है यहाँ पे, यहाँ देखते हैं हिडम्बा है 1.5 किलोमीटर यहाँ से इस साइड को। फिर से चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, लाल परी कह रही है कि होंडा के आगे एडवेंचर और लिखवा दो, होंडा शाइन एडवेंचर SP। तो लाल परी का नाम ये है ऑफिशियल और प्यारा नाम है लाल परी। तो गाइस बाइक मैंने यहीं पे लगा दिया हिडम्बा टेंपल के बिल्कुल सामने, तो चलिए चलते हैं घूमने। तो गाइस देखिए आ चुके हैं हम हिडम्बा टेंपल, और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे खरगोश के साथ फोटो खींचने को मिल जाएगा, याक के साथ फोटो खींचने को मिल जाएगा, और देखिए यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के भी आप फोटो शूट करवा सकते हैं। देखिए ये हिडम्बा टेम्पल, तो चलिए हम भी दर्शन करके आ जाते हैं अंदर से। तो गाइस दर्शन करके आ चुके हम, देखिए लग कितना सा लगाया ऊपर, तो अंदर फोटो वोटो क्लिक करना बिल्कुल अलाउ नहीं था। देख सकते हैं आप ये रियल सीन है, देखे यहाँ पे इसका तो हल्का सा मुंह भी दिख रहा है। तो गाइस कमेंट्स में बताओ कि ये किस चीज के सींग है, कौन से जानवर के सींग है ये। तो गाइस देखिए हिडम्बा टेम्पल के पीछे यहाँ पे है डुंगरी वन विहार, तो चलते हैं यहाँ पे भी देखते हैं क्या सीन है यहाँ का, टिकट वगैरह है नहीं, तो आई थिंक टिकट वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, देखते हैं। देखिए गाइस मैं गलत बताया था, टिकट है यहाँ एडल्ट के हैं 10 और चिल्ड्रन के 5, और टाइमिंग देख लो। चलिए तो चलते हैं देखते हैं थोड़ा। लो जी एक और देखे आंटी का खरगोश कितना प्यारा है। तो
गाइस देखिए ये सही जगह है, यहाँ पे वन में आ सकते हैं आप 10 रुपए दे के, बच्चों के तो 5 ही, और झूले वगैरह भी मिल जाएंगे। मेरा हेलमेट झूल रहा है अभी, और देखिए काफी तरह के झूले भी मिल जाएंगे यहाँ पे, और ग्रीनरी तो देख ही सकते हैं आप, चारों तरफ कितने सारे पेड़ ही पेड़ है, और बीच में है हिडम्बा टेम्पल। तो गाइस देखिए एक रास्ता उधर से आने का है ऊपर, और मैं इधर से आया हूँ, तो ऊपर भी देखते हैं क्या है। ऊपर देखिए टेबल कितनी सुंदर बना रखी है, और बेंच सारा वुडन वर्क है, और यहाँ पे आपको खाने पीने का भी सामान मिल जाएगा। आई थिंक अभी टाइम लेट हो चुका है, तो इसलिए बंद होगा, और बाकी तो बस यहाँ पे ग्रीनरी है। चलिए तो चलते अब नीचे, हम वैसे अब नीचे जाते हुए पैर स्लिप ना हो जाए, आराम आराम से चलते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे अभी आ सकते हैं अगर मनाली आए, और वैसे भी ज़्यादातर लोग तो आते ही हैं, क्योंकि पास ही इतना पड़ता है माल रोड से 2-2.5 किलोमीटर, और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह है, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चे हो तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे पूरा झूले वगैरह। मैं तो डर गई, उसको पंजा लगा, अच्छा पकड़ा ऐसे। तो गाइस देख सकते हैं आप, हां जी खरगोश आंखें दिख रही होंगी आपको, तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, और फर देखिए इसका कितना ज्यादा है, मन तो कर रहा है इसे घर ही ले चलूं। क्या बोला तूने? चलो तो आंटी ने कह दिया कि ले जाओ इसे, तो मैं घर ही लेके चल रहा हूँ इसे। तो खरगोश हमारा वो ये प्यारा सा छोटा सा बेबी, ये गाइस छोटू सा कैसे कर रहा है नोज को देखो। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको याक भी दिख रहे होंगे इतने सारे, तो याक पे फोटो क्लिक करवा सकते हैं, और यहाँ पे देखिए इतने सारे गेम चलते रहते हैं, तो ये भी खेल सकते हैं, बॉल मारने वाला और भी जो रहते हैं। और टेंपल से मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ, तो मैंने अभी खरगोश के साथ फ़ोटो खिंचवाया था, तो 50 रुपये में था वो एक फ़ोटो, तो मैंने दो तीन फ़ोटो भी ले ली, वीडियो भी बना ली, चलो कोई नहीं तो वो तो सही रहा। तो अब देखते हैं याक वाले से रेट वगैरह पूछते हैं, और फिर देखते हैं डील बनी तो याक पे भी फ़ोटो लेंगे। आपके भाई ने याक की सवारी भी कर ली और फोटो भी क्लिक करवा लिए, तो वैसे ये फोटो वोटो क्लिक करवाते तो इनके भी वही रेट थे सेम खरगोश वाले 50 रुपीज, तो सही रहा। तो भैया से मैंने फोटो वोटो भी क्लिक करवा लिए जो थे याक वाले। तो टाइम हो चुका है 4:40, तो 5 बज गए हैं लगभग, तो देखते हैं फिर क्या सीन बनेगा, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को कर दे लाइक, और तो गाइस जो वाला पोज था जो मैंने सींग पकड़ रखे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जब बहुत बड़ी बाइक चला रहा हूँ मैं, जिसके हैंडल बहुत ज्यादा आगे हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बाइक चला रहा हूँ मैं, अभी निकल लेते हैं लेह लद्दाख के लिए। तो गाइस देखिए ये खड़ी अपनी लाल परी, और ये रहे हमारे भालू साहब, सकते हो पहाड़ी डोगी का कितना बड़ा साइज होता है, कितने सुंदर लगते हैं। 15 मिनट्स लेटर, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर चलेंगे माल रोड पे कुछ खाने पीने। तो चलिए काफी रेस्ट हो गया, कुछ खा पी के आते हैं, भूख भी लग रही है बहुत जोरों से, चलिए तो चलते हैं अब सीधा माल रोड। तो गाइस हम आ चुके हैं माल रोड पे,
तो देख सकते हैं इस टाइम कितना ज्यादा क्राउड है। तो रात के टाइम ज्यादा भीड़ रहती है और ठंड बहुत ज्यादा है इस टाइम। तो गाइस इस ट्रिप के लिए मुझे कुछ यादगारी के लिए लेना था, तो मैंने ये पेंटिंग लिया जिसपे अभी नाम लिखा गया है। तो 10-15 मिनट में सूख जाएगी, उसके बाद यहाँ से उठा लेंगे। तो इसमें कुछ खाते पीते हैं। तो गाइस यहाँ पे लगवा लिया मैंने एक फुल प्लेट मोमोज, तो ये खाते हैं। तो गाइस अभी तक तो ठंड लग रही थी, अब इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है। तो गाइस अभी मैं जो मैंने फोटो बनवाया है वो पेंटिंग वाला, तो उससे पूछने गया था तो वो अभी सूखा नहीं है, तो उसे लेके रूम के पास ही चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे माल रोड पे तो खाने पीने की चीज मिल नहीं रही, मुझे प्रॉपर खाना खाना है। है एक दो रेस्टोरेंट तो वहाँ चलते नहीं है, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ मतलब जहाँ पे मेरा होटल है तो वहाँ पे काफी होटल थे, तो वहीं पे खाएंगे खाना। तो गाइस मिल चुकी है अपनी पेंटिंग, अगर आप भी कभी आओ तो आपको बनवानी हो तो देखिए यह टेम्पल के सामने मिलेगा भाई, तो जो भी आप कहोगे वो लिख देंगे। तो गाइज एक भैया अपने दोस्त बन गए थे अभी हिडिंबा टेम्पल के वहां पे, तो वैसे वो आगे जा रहे थे तो उनसे दोस्ती हो गई थी। तो जहाँ पे मुझे जाना है कल वहां पे उन्हें भी जाना है, और मैं भी सोलो राइड कर रहा हूँ, वो भी सोलो राइड कर रहे हैं। तो अभी उन्हें लोकेशन भेजता हूँ, वो भी ही कहीं घूम रहे माल रोड पे, तो उनसे मिलवाता हूँ आपको। तो गाइज अभी उन भैया ने मुझे अपनी लोकेशन भेजी है, तो 120 मीटर दूर है वो मेरे से, तो वो आगे की साइड है माल रोड पे, तो चलते हैं उनके पास। तो गाइस ये रहे अपने भैया सन्नी भैया, तो सन्नी भैया से भी दोस्ती हो चुकी है। देखिए दोनों अकेले आए सोलो राइड कर रहे हैं, और दोनों की दोस्ती हो चुकी है अनजान शहर में। तो कल जहाँ भी हमें जाना है दोनों साथ जाएंगे। तो भैया अपने बारे में बता दो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी है, मैं लकड़ी का व्यापारी हूँ, मेरा बिहार में अपना फैक्ट्री है। तो भैया अपने बिहार से है, तो कल का सीन दोनों साथ करेंगे, साथ मजा आने वाला है बहुत, तो मिलते हैं कल। गाइस देखिए मैंने मंगवाई है दाल मखनी और तंदूरी रोटी, तो चलिए खाते हैं। तो गाइस इसी के साथ ही व्लॉग होता है यहीं पे खत्म, कल नई दिन की शुरुआत होगी। आप समझ ही चुके हैं कि मेरे एक फ्रेंड बन चुके हैं सनी भाई, तो उनके साथ बहुत तगड़ा सीन प्लान किया है, वो सारा आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को कर दे लाइक, और कमेंट से बताइए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और इस तरह की चैनल को कर ले सब्सक्राइब। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।